इंग्लिश में कैसे बात करना सिखाएं बच्चों को, क्या आप भी यही सोच रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मुतलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि घर में बच्चों के साथ इंग्लिश में हम कैसे स्टार्ट करें बोलना, उनको हम कैसे समझाएं कि इसका मीनिंग ये होता है और वो हमें वैसे ही रिवर्ट करना स्टार्ट करें। बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल ये पेरेंट्स का, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हम कहते ज़रूर हैं हिंदी ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन हमें पता है कि इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही हम इंग्लिश बोलना सिखा दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है बच्चे के साथ हमें हेजिटेशन उसकी दूर करना। एक बार वो हेजिटेशन दूर हो जाएगी छोटे में, उसको वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स हमें बताने पड़ेंगे कि हम भी घर में उसके साथ बोलें वो चीज़ें। लाइक सीधा नहीं कि हमने एक बहुत बड़ा सेंटेंस उसके साथ यूज़ कर लिया और हम सोचें कि हाँ अब तो ये सीख जाएगा। नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे भी पता नहीं है, उसके साथ हमने हिंदी में बात करी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे वर्ड्स जैसे होते हैं लाइक वाटर हो गया, मिल्क हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गई, ये सब उसे हिंदी की जगह इंग्लिश में भी बताना है। साथ साथ सिर्फ हिंदी ही नहीं बतानी, इंग्लिश भी बतानी है। एंड ड्रिंक वाटर, मैं अभी सब बताऊंगी आपको बोर्ड पे लिख के कि कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स जो हैं मैं बताऊंगी, 2-2, 3-3 वर्ड्स होंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों के साथ ताकि उसको ये चीज़ आने लग जाए। 15-16 वर्ड्स होंगे जो मैं बताऊंगी आपको स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है हेजिटेशन दूर करना। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है, अगर आपका बच्चा कार्टून देखता है तो आप कार्टून को इंग्लिश में लगा दीजिए। कुछ नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसे कुछ कुछ मीनिंग पता चलने लगेंगे कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, ओके इसका मीनिंग ये होता है। तो वो धीरे धीरे करके जब वो बार बार वो चीज़ सुनता है तो उसको याद होने लगती है वो चीज़, जितनी चीज़ें वो देखता है। ये सेकेंड थिंग है। और पहले हम देख लेते हैं वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 16 सेंटेंस बताऊँगी। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना यह है कि हमें स्टेप बाई स्टेप चलना है, हम सीधा इतना बड़ा नहीं करेंगे। हम पहला स्टेप चढ़ेंगे, फिर हम दूसरा स्टेप चढ़ेंगे, थर्ड स्टेप चढ़ेंगे, ताकि हम एकदम से जंप अगर करें तो क्या होगा, गिर जाएंगे। हमें गिरना नहीं है, हमें धीरे धीरे करके चढ़ना है, बच्चे को चढ़ाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे कुछ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ वर्ड्स, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे से आप बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों के साथ हम स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके वन वर्ड यूज़ करेंगे कि उसे पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। लाइक कम, आओ, गो, जाओ, सिट, बैठो, स्टैंड, उठो, खड़े हो जाओ। तो इसी को हम आगे चल के कैसे यूज़ करेंगे। कम उसे पता चल गया, हमने उसके साथ रेगुलर यूज़ किया है वर्ड, ये सारे वर्ड हमने उसके साथ यूज़ करे हैं उसको फैमिलियर करने के लिए कि कम मतलब क्या होता है, सिट मतलब क्या होता है। अब हम उसको और कैसे कर सकते हैं, जैसे कम इन, अंदर आओ, फिर हम कह सकते हैं गो आउट, बाहर जाओ, इससे उसको इन और आउट का मतलब पता चलेगा साथ में। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब कम हेयर, अभी तक उसे इन और आउट पता था, अब हम कहेंगे हेयर, हेयर मतलब यहाँ वहाँ भी बताएंगे, कम हेयर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, इधर वर्ड और उसे पता लगे इसमें। ड्रिंक वाटर, वाटर का करना है पीना है तो ड्रिंक वाटर। फूड को ड्रिंक नहीं करना है तो उसे ये बताना पड़ेगा ईट फूड, फूड को खाना है, खाना खाओ। होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड मतलब पकड़ना पता चलेगा उसको यहाँ पे। लीव इट, छोड़ दो, छोड़ने का मतलब पता चलेगा उसको, लीव का मतलब पता चलेगा। तो ये तो थे कुछ वर्ड्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम थोड़े से और वर्ड्स जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं हम उसको और क्या बता सकते हैं। लाइक लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मुझे सुनो, मतलब लिसन, उसे लिसन का मीनिंग पता चल रहा है यहाँ पे, ओके। फिर नाउ यू स्पीक, चलो अब तुम बोलो, तो उसे बोलो का मीनिंग पता चल रहा है, स्पीक। सी हेयर, इधर देखो, सी का मतलब पता चल रहा है यहाँ पे। लुक देयर, उधर देखो, लुक भी पता चल रहा है उसको, हेयर देयर तो उसे पता ही चल चुका है।
राइट इट, ये सब यूज होने वाली चीजें हैं. राइट इट, इसे लिखो, तो राइट का मीनिंग पता चल रहा है उसे. रीड इट, इसे पढ़ो, तो रीड का मीनिंग पता चल रहा है उसे. सो यही चीजें हम बच्चों के साथ डेली लाइफ में यूज करते हैं और यही हमारे सेंटेंसेस होते हैं, यही चीज़ें हम बोलते हैं यूजुअली बच्चों के साथ डेली लाइफ में. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, हेल्पफुल लगी हो तो, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने किसी फ्रेंड के साथ जिसको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है. और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ. तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.